बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कमर मेमन भवानी है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे आज की मार्केट के हवाले से। देखा जाए तो आज की मार्केट काफी इंटरेस्टिंग थी और मार्केट सुबह से लेके एक रेंज बाउंड की सिचुएशन में थी। जैसे कि मार्केट ने 41,950 का लेवल भी देखा और फिर मार्केट ने हाई 42,000 और 233 का हाई भी देखा। मार्केट इसी रेंज में ट्रेड होती रही, इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म करता रहा, लेकिन आइटम्स बेहतरीन परफॉर्म करते रहे। जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया है 42,300 का, वो ब्रेक होगा तो मार्केट में मजीद तेजी कंटिन्यू होगी, अदरवाइज 42,000 का लेवल ब्रेक होगा तो 41,900 के पास सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा मार्केट नीचे नहीं होगी। लेकिन जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी हाई साइड के लिए और बेहतरी के लिए होगी। तो डिप पर जो है वो एक्यूमुलेट करें और अच्छे आइटम्स बाय करें और उनमें आपको अच्छी अपसाइड मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। फिर इसके बाद हमने देखा मार्केट ने स्लाइटली करेक्शन ली, फिर इसके बाद मार्केट प्लस माइनस रेंज बाउंड ट्रेड होती रही। आखिरकार मार्केट जो है 13 पॉइंट माइनस के साथ 42,100 के करीब क्लोज रही। हमने अपने प्राइवेट ग्रुप में स्पेशल ग्रुप में मुसलसल ऑडियो कॉल के थ्रू मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताया, लाइव बताया और साथ ही साथ हम स्टॉक्स के बारे में बताते रहे, एक के बाद एक आइटम हम शेयर करते रहे। आज हमने अपने प्राइवेट ग्रुप में देखा जाए तो काफी आइटम ऑन द स्पॉट शेयर किए थे और अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट भी बनाते हैं जिसमें हम पहले से मार्केट के आइटम जो चल रहे होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये आइटम इस तरह मूव करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आइटम्स के हवाले से जो हमने शेयर किए थे अपने प्राइवेट और स्पेशल ग्रुप में। सबसे पहले हमने बताया था एवेंस्योन के बारे में कि एवेंस्योन का जो सपोर्ट लेवल है वो 73, अगर ये ब्रेक होगा तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज देखा जाए तो 78, 79 और 80 तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एवेंस्योन ने 79 का हाई लिया और इसमें हमारे तमाम तीन टारगेट हिट हुए। इसके अलावा नेटसोल के बारे में हमने 96 का सपोर्ट लेवल दिया था, वो ब्रेक नहीं हुआ और देखा जाए तो तकरीबन हमारे तमाम टारगेट हिट हुए और 108 रुपये तक का हमारा टारगेट थे, 110 रुपये का हाई बना। इसके अलावा TRG का सपोर्ट एरिया हमने दिया था 70 रुपये का, अगर 70 ब्रेक होगा तो TRG जो है वो नीचे जा सकता है, अदरवाइज हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो इसी तरीके से TRG में देखा जाए तो 74.50 का हाई लगा और 70.10 रुपये का लो लगा, लेकिन सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम जनरल टायर की बात करें तो जनरल टायर हम मुसलसल आपको देते गए, बताते गए कि जनरल टायर एक बेहतरीन मूव देगा और हाई सेट के लिए बिल्कुल क्लियर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 77.70 का हाई लगा और इसमें हमारे तीन टारगेट हिट हुए। पार्क इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो पार्क इलेक्ट्रॉन में 36.15 रुपये का हाई लगा और एक टारगेट हिट हुआ। ऑयल स्टॉक्स में देखा जाए तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड में हमने 411 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया दिया हुआ था, वो ब्रेक नहीं हुआ जिसकी वजह से 408 का हाई लगा और फिर इसके बाद हमने देखा कि 400 रुपये के करीब क्लोज हुआ प्रॉफिट टेकिंग के साथ। इसके अलावा OGDC, PPL इसमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। हैस्कॉल हमारे एक टारगेट फर्स्ट टारगेट के करीब यानी हाई लगा 14.90 रुपये का और 84 के करीब क्लोज हुआ। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में PSMC में दो टारगेट हिट हुए और देखा जाए तो 220.50 रुपये का हाई लगा। इसके अलावा साजू में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा GHNL की बात करें तो GHNL में एक टारगेट के फर्स्ट टारगेट के करीब यानी कि हाई बना 91.89 का। इसके अलावा GHNI में दो टारगेट हिट हुए, 276.90 रुपये के दो टारगेट हिट हुए, 276.90 रुपये का हाई लगा। इसके अलावा अगर होंडा कार की बात करें तो होंडा कार में हमारा एक टारगेट हिट हुआ 319 रुपये का। इसके अलावा STPL के बारे में रिकमेंड किया था कि STPL पॉजिटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ऊपर का लॉक लगा 17.46 रुपये पे ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा सितारा प्रोक्साइड में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई स्लाइटली। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर ने आज बेहतर परफॉर्म किया क्योंकि जब भी ऑयल स्टॉक्स थोड़े से डाउन होते हैं तो सीमेंट थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सीमेंट में OGDC ने 108.50 का हाई लिया, 107.35 के करीब क्लोज हुआ, 1.60 रुपये के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। वेपर लीफ में 42.65 रुपये का हाई लगा, 41.88 रुपये के करीब क्लोज हुआ, 1.71 रुपये के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। कोहार्ड में 224.80 का हाई लगा और 221.56 के करीब क्लोज हुआ और 4.56 रुपये के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट ने भी देखा जाए तो बेहतर परफॉर्म किया।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, तो स्टील सेक्टर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, 8544 का हाई लगा आईएसएल में, मुसलसल टारगेट करते रहे। अगर हमारे लास्ट वीडियो में आप देखें, जब से ये 68 के करीब था आईएसएल, तब से हम मुसलसल रिकमेंड कर रहे थे कि 8584 के लिए क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह 8544 का हाई लगा, इसमें हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा अगर INIL की बात करें, तो INIL में हमारे देखा जाए तो तकरीबन हाई लगा 154.60 का और 3.79 का पॉजिटिव क्लोज रहा। अमरेली स्टील में 47.98 का हाई लगा और इसमें हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। अमरेली स्टील की कॉल हमने अपने स्पेशल प्राइवेट ग्रुप में जब ये चलने वाला था उससे पहले दी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट ने इसके ऊपर बेहतरीन और अच्छा काम किया। इसके अलावा फौजी फूड में ऊपर के लॉक के करीब गया 16.26 के पास और 67 के पास पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी की, तो यूनिटी में हमने बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए हाई साइड पर, क्योंकि यूनिटी हाई साइड पर है, तो 28.06 का हाई लगा और प्रॉफिट टेकिंग हुई और 27.30 के साथ नेगेटिव क्लोज हुआ 48 माइनस के साथ। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। रिफाइनरी सेक्टर में कल हमने स्पेशली बताया था कि एनआरएल के दो रिजिस्टेंस एरिया 255 और 265, 255 ब्रेक किया और फिर 265 सेकेंड रिजिस्टेंस एरिया था, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर सका नेशनल रिफाइनरी और 264.88 का हाई बनाने के बाद डाउन हुआ 243 तक। इसके बाद फिर 247 के करीब क्लोज हुआ, देखा जाए तो प्रॉफिट टेकिंग हुई। ये भी हमने जबरदस्त कॉल दी थी कल की वीडियो में, अगर आप देखें तो हमने रेजिस्टेंस एरिया आपको पहले से बताए थे। इसके अलावा ATRL में हमारा एक टारगेट हिट हुआ 166 पे और ये भी प्रॉफिट टेकिंग के साथ थोड़ा डिप पे क्लोज हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी में देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट के करीब यानी 20.33 का हाई लगा, लेकिन इसमें भी करेक्शन देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें फिपीलिपी डेटा की, फिपीलिपी डेटा में अगर आज जो मेजर जो सेलर थे फॉरेनर्स, बैंक्स, इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलिंग साइड पर थे, जबकि कंपनीज बाइंग साइड पर जो थी वो कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये बाइंग साइड पर थे। वैसे भी आपको हम लास्ट थर्सडे से कह रहे थे कि बैंक प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ चुके हैं, इंडेक्स ओवरबोट हो चुका है और स्लाइटली करेक्शन रहेगी। जो मार्केट देखा जाए तो लास्ट थर्सडे से इंडेक्स में एक कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन इंडेक्स रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, साथ ही लेकिन स्टॉक आपके बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक के लिहाज से अब भी काफ़ी गुंजाइश थी स्टॉक के बढ़ने की, जिस वजह से स्टॉक में एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। इसके अलावा इंडेक्स अपने आप को करेक्ट कर रहा है, अपने आप को सेट कर रहा है, इंशाल्लाह सेट होने के बाद दोबारा इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट के हवाले से कि वर्ल्ड मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह है। वर्ल्ड मार्केट के ऊपर अगर हम नजर डालें तो डाउ जोन्स आज 96 पॉइंट के साथ 30,166 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नैसडेक आपका पॉजिटिव है 7 पॉइंट, S&P आपका 7 पॉइंट पॉजिटिव है। इसके अलावा निकी की अगर हम बात करें तो 80 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है। शिंगाई की अगर हम बात करें तो 6 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक नया हाई बना चुका है 45,700 का, इस वक्त ट्रेड हो रहा है 45 क्लोज जो हुआ है 45,600 के करीब, 181 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा है और न्यू हाई बनाया है इसने। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 45.93 का हाई बना और 45.15 का लो बना, और इसमें देखा जाए तो क्लोजिंग जो अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है 45.66 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि 10 पैसे डाउन है, स्लाइटली डाउन है। कल से देखा जाए तो ओवरऑल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी, जिसकी वजह से आज हमने ऑयल के स्टॉक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग स्लाइटली देखी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है देखा जाए तो 42,100 के करीब है, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 42,300 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया आपका जो होगा 42,500 से लेके सेकेंड होगा, थर्ड 42,800 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया 42,000 देखा जाए तो 41,900 का फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक होगा तो 41,600 सेकेंड सपोर्ट एरिया है। तो ओवरऑल मार्केट जो है आपकी दो दिन से तीन दिन से देखा जाए तो मुसलसल एक रेंज बाउंड की सिचुएशन में मार्केट यानी कि हाई की तरफ जाती है, बट हाई ब्रेक करके क्लोज नहीं हो रही और सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक नहीं कर रही, क्योंकि लॉन्ग व्यू आपकी तेजी है और शॉर्ट व्यू में स्लाइटली ओवरबॉट थी मार्केट। इंडेक्स में देखा जाए तो इंडेक्स एक ऐसी जगह पे क्लोज हुआ है जहां पे 41,900 और 42,300,
यानी कि रेंज बाउंडेड इंडेक्स जो एतवार से जो है वो आज थोड़ा सा ऐसे भी था कि अगर एक दो दिन से मार्केट जो टेक्निकली तो ओवरबोर्ड थी, जिसकी वजह से रेंज बाउंड ट्रेड कर रही थी। साथ ही अगर हम पॉलिटिकल के ऊपर बात करें, पॉलिटिकल इशू के ऊपर, तो पीडीएम के हवाले से जो अनाउंसमेंट का जो चक्कर था कि इस्तीफों का जो सिलसिला था वो एक तरह से देखा जाए तो फ्लॉप ही रहा है आज के दिन, और नेगेटिव रहा है। और टेक्निकली भी देखें तो दो दिन से हमारे मार्केट बेहतर परफॉर्म नहीं करी इंडेक्स के लिहाज से, आइटम के लिहाज से बेहतर परफॉर्म कर रही है लेकिन इंडेक्स के लिहाज से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट आपकी यानी कि पॉजिटिव ओपन हो सकती है हाई साइड की तरफ, और फिर जैसे ही 42,300 का लेवल ब्रेक करेगी मार्केट आपकी मजीद नए हाई बनाना शुरू हो जाएगी। लेकिन और अगर फॉर सपोज अगर मार्केट आपकी नेगेटिव होती है तो भी कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। 41,900 आपका सपोर्ट एरिया है और सेकंड सपोर्ट एरिया 41,600। लेकिन अगर मार्केट माइनस होगी भी तो स्पीडली बाउंस बैक होगी, क्यों? कि मार्केट के लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव है, आपने पॉजिटिव ही लेना है। जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ ये जरूर है कि जो आइटम बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो चुके हैं, जैसे कि नेशनल रिफाइनरी आपका हाईली ओवरबोर्ड हो चुका था, तो उसमें क्या था कि अगर आप उसको हाई साइड पे लेते हैं तो उसके गिरने का ज्यादा डर होता है, चाहे वो इंडेक्स ज्यादा माइनस हो या कम माइनस हो। जैसे कि इंडेक्स आज कम माइनस था लेकिन एनआरएल 265 264 88 का हाई मारने के बाद ये 243 तक भी आया, तो एक बड़ी मूवमेंट आई। तो इस तरह जो हाईली ओवरबोर्ड आइटम है उनमें करेक्शन आ सकती है, लेकिन इंडेक्स में अगर जो करेक्शन आती है तो अपॉर्चुनिटी होगी। डिप पर अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए और तेजी में ही रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टॉक के लिहाज से। स्टॉक की अगर हम बात करें तो एवेंसियन ने आज नया हाई लिया। अब एवेंसियन का जो सपोर्ट लेवल है वो 75 का एरिया है, अगर ये ब्रेक होगा तो डाउन होगा, अदरवाइज हाई साइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा नेटसोल की अगर हम बात करें तो नेटसोल का सपोर्ट एरिया 104.50 का है, अगर ये ब्रेक होगा तो डाउन होगा, अदरवाइज न्यू हाई बना सकता है। इसके अलावा टीआरजी की अगर हम बात करें तो 70 रुपये सपोर्ट एरिया, अगर ये ब्रेक होगा तो करेक्शन स्टार्ट होगी, अदरवाइज अगर ये ब्रेक नहीं होता तो रेजिस्टेंस एरिया 75 है, अगर ये ब्रेक होगा तो न्यू हाई की तरफ टीआरजी जा सकता है। सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया इसको जरूर कंसीडर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तेजी और मंदी के लिए। इसके अलावा जनरल टायर की अगर हम बात करें तो जनरल टायर में अब भी गुंजाइश है हाई सेट पर जाने के लिए, ये हमारा स्पेशल आइटम भी है, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मूवमेंट भी देगा। इसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन मुसलसल देखा जाए तो 2 टाइम न्यू हाई की तरफ जा चुका है, लेकिन थोड़ी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग आती है, लेकिन पार्क इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम एक अच्छी मूवमेंट के लिए हाई सेट की तरफ जा सकता है। ऑयल स्टॉक्स में अगर देखें तो ऑयल स्टॉक्स में पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ओजीडीसी, पीपीएल, इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, थोड़ी करेक्शन आ सकती है, तो थोड़ी करेक्शन आती है तो डिपर इनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हैस्कॉल आपका जैसे कि मुसलसल कहते रहे कि हाईली ओवरसोल्ड है और ये रेडी है किसी भी टाइम अच्छी मूवमेंट दिखाने के लिए, तो अच्छी मूव बन सकती है इसके अंदर। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर आपका पॉजिटिव है, जिसमें पाकिस्तान सुजुकी मोटर, जीएचएनएल, जीएचएनआई पॉजिटिव है, जबकि होंडा कार और अगर हम साजू की बात करें तो स्लाइटली करेक्शन आ सकती है, लेकिन करेक्शन के बाद ये पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा एसटीपीएल की अगर हम बात करें तो एसटीपीएल ने न्यू हाई दिखाया है 17.5 का, लेकिन एसटीपीएल जो है अगर यहाँ से 16 जैसे कि एक्यूमुलेट करना चाहिए डिप पर, और ये 18 और 19 के एरिया में मूव कर सकता है। ओवरऑल सितारा प्रोसाइड एक्यूमुलेशन के फेज में और एक्साइड और एटलेस बैटरी एक्यूमुलेशन साइड पर है। सीमेंट की अगर आप बात करें तो सीमेंट में डीजी खान, मेपल लीफ, कोहार्ट, चिराट सरैली करेक्शन ने तो उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए और एक अच्छी मूव की तरफ जा सकते हैं। आज भी इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था तो थोड़ा सा डिप लेने के बाद ये मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर में आईएसएल में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, अगर 86 के लेवल को सस्टेन करेगा तो न्यू हाई लगेगा, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अमरेली स्टील आपका बेहतर है, इसके अलावा अमरेली स्टील, मुगल बेहतर है INIL और ये हाई साइड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो फौजी फूड डिप पर जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए और हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। रिफाइनरी में अगर हम बात करें तो रिफाइनरी में आज थोड़ा प्रेशर था NRL की वजह से, ATRL और PRL में, लेकिन डिप पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए और किसी भी टाइम एक अच्छी मूव की तरफ ये जा सकते हैं। इसके अलावा अगर NRL की बात करें तो NRL में खास करके ध्यान रखिएगा 265 रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो न्यू हाई नहीं लगेगा, इससे पहले तो हो सकता है कि 250 255 फिर दिखाए आपको, तो वहां पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब इसमें न्यू एंट्री नहीं लेनी, 265 जब ब्रेक करे और उससे अबव क्लोज हो
तब आप एंट्री ले सकते हैं, वो भी 265 के स्टॉपर के साथ। तो फिलहाल न्यू एंट्री ना लें एनआरएल में, और जब भी हाई हो प्रॉफिटिंग करें। 243 इसका सपोर्ट एरिया, अगर ये ब्रेक होगा तो इसका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो फिर से ये रिकवरी के फेज में होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो छोटे आइटम में आपका बीजीएल, एफएनईएल, इसके अलावा एसटीपीएल, आपका ट्रीट, माशाल्लाह ट्रीट बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, आज 33 का भी लेवल क्रॉस कर गया और ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आया। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में हम अपने जो हमारा प्राइवेट स्पेशल ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने आज पूरे दिन में ऑडियो कॉल्स दी मार्केट के हवाले से कि मार्केट का लेवल ये लग रहा है, मार्केट में सपोर्ट एरिया बताया, रेजिस्टेंस एरिया बताया, प्रॉफिटिंग भी करवाई, बाइंग कॉल भी दी। इसके साथ हमने काफ़ी आइटम शेयर किए, पहले एवेंस जोन शेयर किया, एवेंस जोन ने बेहतरीन नफा दिया, फिर जनरल टायर बताया, जनरल टायर के बाद एटीआरएल को भी बताया, एटीआरएल में प्रॉफिटिंग कराई। इसके अलावा देखा जाए तो पार्क इलेक्ट्रॉन का बताया, इसके अलावा अमरेली स्टील की ओपन लाइन दी, इसके अलावा मुगल का हमने बताया। काफ़ी सारे आइटम्स जो होते हैं जब चलने वाले होते हैं तो हम यानी कि उनको शेयर कर देते हैं प्राइवेट ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से क्लाइंट बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और इसके अलावा सपोर्ट लेवल, स्टॉपर, ये हर चीज़ शेयर हो रही है और एक बेहतरीन ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनको मुकम्मल रहनुमाई हमारी तरफ से हासिल है और किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। वरना ऐसा होता है कि बहुत से क्लाइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं दूसरे हाउसेज में लेकिन वो सर्विस नहीं देते, और होता है ये कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है और फिर वो अपनी मदद आपके तहत ट्रेड करते हैं, नुकसान उठाते हैं और फिर स्टॉक को बुरा भला कहते हैं। तो स्टॉक में जब तक आपके पास एक सॉलिड और टेक्निकल अच्छी रिसर्च नहीं होगी आप अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और 42,000 से अब ट्रेड कर रही है। तो इसमें आपको आपके पास हर तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो न्यू इन्वेस्टर हैं जो अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अच्छी अपने इनकम में इजाफा करना चाहते हैं, अपने अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिलीवरी के जरिए। इसके अलावा एक्सपोजर पे बिल्कुल भी काम ना करें। अगर आप न्यू हैं या और आप पुराने भी हैं तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि हमेशा डिलीवरी में काम करें, यानी अपने पैसों में काम करें और लिवरेज की प्रोडक्ट को, इसके अलावा फ्यूचर की प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि लिवरेज और फ्यूचर जब तेज़ी होती है तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आपके अमाउंट बढ़ रही होती है, आपके सौदे प्रॉफिट में आ रहे होते हैं, लेकिन जब मंदी होती है, जब प्रॉफिट टेकिंग होती है, जब कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो यही लिवरेज, यही फ्यूचर वबाले जान होता है, तो आपकी इक्विटी को भी ज़ाया करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी तबाह कर देता है। तो कोशिश करें कि लिवरेज पे, हाईली लिवरेज में काम ना करें, फ्यूचर में काम ना करें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं और डिलीवरी के अंदर काम करें। और हमेशा एक बात याद रखें कि इन्वेस्टर बने, इन्वेस्टर वो होते हैं जो अगर अनसर्टेनिटी होती है तो अपना माल पैनिक में आके, उजलत में आके अपने स्टॉक सेल नहीं करते, बल्कि मजीद अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हैं, और जब मार्केट यू टर्न लेती है तो उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो ओवरऑल किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो अपोजिशन के हवाले से जो भी देखा जाए, जो पॉलिटिकल चल रही है वो तमाम की तमाम फ्लॉप है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट बेहतरीन वर्क कर रही है और आगे इकोनॉमी के भी बेहतरीन यानी कि रिजल्ट होंगे, और बाहर की देखा जाए तो बाहर की वर्ल्ड वाइड भी यही बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस कोविड-19 में। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहे और इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर मूव करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया कैमरा मैन भावानी, अल्लाह हाफिज़।